रेस्पिरेशन क्या होता है? ये होता है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। एरबिक रेस्पिरेशन ये होगा आपका हायर प्लांट्स में, हायर एनिमल्स में, और यहाँ पर आपका जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन के साथ प्रॉपर रिएक्शन करेगा, इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है और आपका किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, CO2 + वाटर + एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में होगी, ATP के फॉर्म में, और ये एनर्जी आपकी यहाँ पर ज्यादा होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, यहाँ पर आपका जो ग्लूकोज है ये मेनली रिएक्शन होती है आपके जो लोअर प्लांट्स हैं और लोअर एनिमल्स में, यानी कि यूनिसेलर प्लांट्स और यूनिसेलर एनिमल्स में, और कभी कभी हमारी मसल्स में भी होता है जब हम एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं और हमारी बॉडी में उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, तब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल्स में भी होता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन एब्सेंस है, तब यहाँ पर ये होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो यहां पर आपका ग्लूकोज किसमें चेंज होगा, लैक्टिक एसिड या फिर एल्कोहल प्लस CO2 + वाटर। अब यहां पर लैक्टिक एसिड किसमें बनेगा और एल्कोहल, तो जो आपके यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स, उसमें क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, और जो यूनिसेलुलर प्लांट्स होंगे आपके, जैसे आपका ईस्ट हुआ, तो इसमें क्या बनता है आपका, ये एल्कोहल, ठीक। और यहां पर जो एटीपी होगी, एनर्जी होगी, वो बहुत कम होगी, लेस अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी मिलती है। आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये थोड़ी रिएक्शन पार्सली आपका कहां पर होगा, साइटोप्लाज्म में, और कंप्लीट ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, तभी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। और आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है साइटोप्लाज्म में, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं है।